मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग का जो टॉपिक है उसका लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक में हम लोग आज डायग्राम ऑफ आईवी सेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम दो नंबर के लिए आएगी, तो आपको इस तरीके से डायग्राम जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ करनी है। साथ में अगर तीन नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी तीन मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको ये कंपोनेंट्स जो रहते हैं उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है। आप सभी को अभी एक चीज दिखाने जा रही हूँ मैं, ये है सलाइन की और आईवी सेट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? आईवी सेट, सलाइन की बॉटल। ये सबको पता है कि इस तरीके का एक आईवी सॉल्यूशन यहाँ भरा होता है और पेशेंट जब अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे उसको डायरिया हो रही है, बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो रहा है, या फिर अनकॉन्शियस हो गया है, सर्जरी की गई है, कुछ ऑपरेट किया गया है उसको, इन दैट केस में वो नॉर्मली ले नहीं सकता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन जो यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ये तो एक चीज, ये तो एक इसका एक यूज हो गया। दूसरा यूज क्या है? अगर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा उसके सीवियर डिजीज हुआ है, तो इन दैट केस एंटीबायोटिक्स और वेरियस क्रूशियल इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी हम इस रूप से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये आइस पाच हमको समझना है कि इसे कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, कौन से पार्ट रहते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये जो बॉटल है, ये बॉटल में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर तो पूरा आईवी सॉल्यूशन भरा होगा, ठीक है। ये जो है इसमें मेडिसिन भी है, समझ लो न्यूट्रिएंट्स भी है, जो हमको सप्लाई पहुंचाना है वो सब कुछ इसमें है, ठीक है। अब ये जाएगा कैसे? ये उसका मीडियम है, ये जो ट्यूब मैं आपको बता रही हूँ ये उसका मीडियम है, इस मीडियम के जरिए वो जाने वाला है। तो सबसे पहला पोर्शन क्या है इसमें? सबसे पहला पोर्शन है ये स्पाइक, ये ऐसा आपको नुकीला दिख रहा है, इसको कहते हैं स्पाइक, ठीक है। उसके बाद में आपको ऐसा ट्यूब नजर आ रही है, देखो यहाँ पर एक ट्यूब दिख रही है, ये देखो ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं ड्रिप चैम्बर, ठीक है। ड्रिप चैम्बर में थोड़ी देर के लिए टेम्पररी ये सॉल्यूशन जब इसमें आएगा तो इसमें स्टोर रहने वाला है। उसके बाद में ये पीवीसी ट्यूबिंग है, पीवीसी का ट्यूब है जिसके जरिए जो है पेशेंट को ये सलाइन सॉल्यूशन पहुंचाया जाए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, ये है फ्लो रेगुलेटर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया फ्लो रेगुलेटर, फ्लो रेगुलेटर का काम क्या रहेगा? इसमें बॉडी रहेगी और ये विम रहेगा, देखो ये मूव होता है, ठीक है। ये मूव होता है मतलब क्या? आप फ्लो को एडजस्ट कर सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है कितने फ्लो से पहुंचेगा, ठीक है। तो ये फ्लो रेगुलेटर होगी। हाँ, अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, देखो यहाँ पर ये नीडल है, ठीक है। ये नीडल जो रहेगी यहाँ पर इस तरीके से पर्स की जाएगी, समझ में आ गया। और जब ऐसे यहाँ पर प्रेस कर दे तो यहाँ पर एक पट्टी वगैरह लगा के चिपका देते हैं और धीरे धीरे वो सॉल्यूशन जो है स्टैंड में ऐसा टंगा रहता है और आपको वो प्रोवाइड करते रहते हैं, समझ में आ गया। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम ये सारी चीजें डायग्राम पे भी यहाँ पर रोकूंगी। ये हो गया स्पाइक जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंटेड पोर्शन, ठीक है। ये जो पॉइंटेड पोर्शन स्पाइक, और उसके बाद मैंने बताया स्पाइक कवर, यहाँ पर स्पाइक कवर नहीं है क्योंकि ये ओपन हो चुका है इसलिए। उसके बाद में ड्रिप चैम्बर, ये मैंने आपको बताया ड्रिप चैम्बर, ठीक है। फिर ये पीवीसी ट्यूबिंग, पीवीसी ट्यूबिंग बता दिया आपको, फ्लो रेगुलेटर बता दिया मैंने, और उसके बाद में ये नीडल, ये नीडल मैंने आपको बताया इसलिए। ये जो नीडल है ये अडाप्टर के साथ, ये देखो ये अडाप्टर है, ये नीडल है, ये देखो यहाँ पर भी अडाप्टर है और इंजेक्शन साइड है जो कि पेशेंट को हम जब इंजेक्ट करते हैं तब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अभी क्लियर हो गई थी। अब हम वेरियस पार्ट के यहाँ पर यूजेस देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला है हमारा स्पाइक कवर, ठीक है। ये जो स्पाइक कवर रहेगा वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा स्पाइक को और मेंटेन करेगा उसका स्टरलाइजेशन, ठीक है, मेंटेन करेगा उसका स्टरलाइजेशन। उसके बाद में है स्पाइक, स्पाइक जो है हेल्प करता है इन पर्सिंग द क्लोजर ऑफ द कैप, जो बॉटल है उसमें वो पर्स करने के काम आएगा। ड्रिप चैम्बर मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ड्रिप चैम्बर मतलब क्या? स्मॉल रिजर्वायर फॉर सॉल्यूशन, वो थोड़ी देर के लिए वहां पर सॉल्यूशन स्टोर रहता है टेम्पररी। फिर फिल्टर, जो यहाँ पे बॉटम में फिल्टर रहेगा जिसका साइज रहेगा 15 माइक्रॉन। और फिर पीवीसी ट्यूबिंग, ये पीवीसी ट्यूबिंग रहेगी सॉफ्ट ट्यूब 150 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर उसका कितना है 2.7 mm। उसके बाद में फ्लो रेगुलेटर मैंने बताया था, बॉडी रहेगी और व्हील रहेगी, व्हील से हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे दी फ्लो रेट, ठीक है। उसके बाद में इंजेक्शन साइड, इट इज मेड अप ऑफ लेटेक्स, इंजेक्शन साइड मैंने आपको दिखाया था, नीडल दिखाई थी ना वो है, इट इज मेड अप ऑफ लेटेक्स पीवीसी। एसपीपी, एसपीपी का मतलब है स्मॉल वॉल्यूम बैरियर, जैसे कि एंटीबायोटिक्स विटामिन हम इसके जरिए दे सकते हैं, उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे बॉटल में तो वो पहुंच जाता है। अडाप्टर, इट इज कनेक्शन साइड ऑफ द नीडल मेड अप ऑफ पीवीसी प्लास्टिक, यहाँ पर जब हम साइड पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये कनेक्शन साइड के रूप में काम करता है ताकि पेशेंट को जब इंजेक्शन के जरिए वहां से वो जो भी आयरन फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है वो दे सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या देख लिया?
हम लोगों ने देखा आईवी सेट का डायग्राम और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, किन केसेस में आईवी सेट यूज किया जाता है, वो सब हमने देखा आज। थैंक यू।